नमस्कार, आधी आबादी बात नारी की में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रश्मि और एक बार फिर हाजिर हूं कुछ ऐसी खबरों के साथ जो होती हैं बेहद खास लेकिन रह जाती हैं सुर्खियों से दूर। तो चलिए रुख करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम की तरफ और रूबरू होते हैं कुछ ऐसी ही खबरों से। जानेंगे आज का मुद्दा, इसी विषय पर चर्चा करेंगे हमारे एक्सपर्ट से, देखेंगे किस तरह बुजुर्ग महिलाओं का सहारा बन रही हैं कुछ संस्थाएं, जानेंगे कैसे तकनीकी क्षेत्रों में आगे आ रही हैं लड़कियां और देखेंगे किस तरह करियर के हर क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना रही हैं लड़कियां। आज इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में भी लड़कियां बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और ये नज़ारा दिखाई दिया उनके कन्वोकेशन फंक्शन में, जहां मेडल्स लेती लड़कियों ने ये दिखा दिया कि वो किसी से पीछे नहीं। मन में उमंग और उत्साह के साथ डिग्रियां ले रही इन लड़कियों की आँखों में खुशी साफ झलक रही है। डिग्री के रूप में वो आज अपने सपने को साकार होते देख रही हैं और उन्हें उम्मीद है कि वो भी अब मार्केट में अपनी एक अलग पहचान बना पाएंगी। This is the day when I'll be getting my graduation. This today is my convocation. I'm the top of the world. It has always been my dream that I get my degree from a good college, and it is an awesome experience. I can't describe it in words. Amazing, awesome. It's a magnificent feeling, obviously, to get your degree and attain that. That's very, very nice feeling. मुझे फाइनली अच्छा लग रहा है, एक साल बाद डिग्री हाथ में पकड़ के। अभी तक जहाँ भी जा रहे थे बिना डिग्री के जा रहे थे, एंड इट्स रियली नाइस फीलिंग टू हैव डिग्री इन माय ओन हैंड्स। समारोह है जब बच्चे 4 साल कंप्लीट करते हैं तो उनको डिग्री मिलती है। ये बच्चों की लाइफ का एक बहुत ही बड़ा फंक्शन होता है क्योंकि इस स्टेज पर वो ग्रेजुएट बन रहे हैं। अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही इन लड़कियों ने इस कॉन्वोकेशन फंक्शन में अपने कॉलेज की यादों को भी ताजा किया और ये कॉन्वोकेशन फंक्शन इन लड़कियों के लिए गेट टुगेदर के लिए भी अच्छा जरिया रहा। ये बच्चों के लिए एक्चुअली एक अच्छा मौका है कि they'll get together and they have a respectable position कि they're getting this degree today and it's an occasion to celebrate and enjoy this occasion. So I'm very glad to be participating in this particular occasion today. And students are also very excited that they have taken their degrees. So it's a good sign of happiness. बच्चे आपने देखे होंगे आजकल बच्चों में वैसे ही थोड़े ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं कंपेरेटिवली पहले के मुकाबले, क्योंकि जल्दी पिकअप कर लेते हैं थ्रू मीडिया, आप देखे टेलीविज़न के थ्रू जल्दी पिकअप कर लेते हैं। और दूसरा, आजकल आपने देखा होगा ज़्यादातर बच्चे जब भी देखो लैपटॉप या कंप्यूटर बैठे रहते हैं, तो काफ़ी नॉलेज उनको रहती है और इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं वो नए आइडियाज़ क्रिएट करते हैं और इनोवेटिव आइडियाज़ रहते हैं, तो उनसे काफ़ी सीखने को मिलते हैं। And it was an breathtaking experience here. It was very nice. We loved the environment and it was students were supportive. We found very good friends over here. इस कॉन्वोकेशन फंक्शन में कई एक्सपीरियंस हस्तियों ने भी शिरकत की, जिन्होंने इन लड़कियों को मोटिवेट तो किया ही, साथ ही साथ उन्होंने इन्हें फील्ड की बारीकियों के बारे में भी बताया। जो बच्चे इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट्स करते हैं उनको तीन ही ऑप्शन होती हैं। फर्स्ट तो फर्दर स्टडी करें कि एमटेक या पीएचडी करें, दूसरा जॉब मार्केट में जाएं और तीसरा एवेन्यू है कि अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करें। तो मैं तीनों में से वो जो भी चुनते हैं, आई विश देम गुड लक इन देयर एंडेवर। कॉन्वोकेशन सेरेमनी होती है जिसमें तुम बहुत सारा लर्न करो, यू लर्न अ लॉट आउट ऑफ योर कॉन्वोकेशन, हाउ यू फील लाइक लॉयर्स एक्चुअली दो यू हैव अ बीटेक डिग्री, बट देन दैट मेक्स यू वेरी गुड सिटीजन एंड अ वेरी वेरी नाइस इंडिविजुअल, सो इट ऑल हेल्प्स इन योर लाइफ बेसिकली। लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, हर फील्ड में अच्छा करके दिखा रही हैं और ये बहुत अच्छी बात है। ये चूंकि लड़की का ट्रेंड होना, लड़की का एजुकेटेड होना फैमिली और समाज की एजुकेशन और उसकी डेवलपमेंट की निशानी, बच्चों को अब अपनी चीज़ों को ठीक करना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए ईमानदारी से काम करना चाहिए, जिससे कि देश समाज की सेवा भी हो और उनको काम करने में मजा भी। आज इंजीनियरिंग इंडस्ट्री ने नई ऊंचाइयां छू ली हैं और जिस रफ्तार से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है उसी रफ्तार से इस फील्ड में कॉम्पिटिशन भी बढ़ रहा है। ऐसे में इनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल पर भी ध्यान दिया जाता है ताकि उनकी प्लेसमेंट हाथों हाथ हो सके। जब तक डेवलपमेंट होती रहेगी तो इंडिया में, तो खासकर आप देखें कि डेवलपमेंट और अगले 20 साल तक होनी है, तो रिसेशन की कोई खास बात इंडिया में तो रहेगी नहीं। और इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं वो मैंने बताया कि इनोवेटिव प्रोग्राम्स होते हैं जिनसे कि बच्चों को काफ़ी सीखने को मिलता है और आइडियाज़ मिलते हैं बच्चों को, तो वो अलग अलग जब दूसरे कॉलेज के बच्चों से मिलते हैं या दूसरी कंपनीज के साथ इन्वॉल्व होते हैं तो उनको काफ़ी आइडियाज़ मिल जाते हैं। स्पेशल अटेंशन मस्ट बीइंग पे
relate to every individual in every aspect, for their personal grooming to their intelligence. Each and every teacher supported whatever the students want to do, even extracurricular activities. Projects were appreciated and they were motivated to go further. बहुत proud feel कर रहे हैं, हमें degree मिली है. बहुत कुछ सिखाया, like organizing fashion shows होते थे जिसमें organizing में हम लोग होते थे, तो हमने बाहर भी जाके like अब profession में भी जाके हम organizing जो हमारे में जो skills आए हैं वो college से ही मिले हैं हमें. Learning की feel बहुत अच्छी है, क्योंकि आगे companies, there are many companies which can hire you and your pay packages are really well. Like we got selected in L&T, Infosys and many other top brand companies. So engineering is a perfect field for the girls too. कहते हैं शब्दों से हम अपनी भावनाओं को आसानी से व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ लम्हे हमें इतनी खुशी दे जाते हैं कि शब्द भी कम पड़ जाते हैं उन्हें बयां करने में. ऐसे में इस फंक्शन में इन लड़कियों की खुशी इनकी मेहनत, इनके जज्बे और इनके सशक्त होने का एहसास करवा रही थी.